हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई, हम लोगों को बजट में फोन्स लेने का एक अलग ही उत्साह रहता है कि भाई बजट में फोन्स मिल जाए, और अगर वो आईफोन हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि भाई आईफोन से हम लोगों का जो प्रेम है वो आपको पता है कुछ अलग ही है। तो यहाँ पे भाई आईफोन की एक बहुत ही स्पेशल सीरीज होती है जो की आईफोन SE। अब यहाँ पे भाई पिछले 3 सालों से या 4 सालों से आईफोन जो आ रहे हैं SE वाले, वो आ रहे हैं छोटे छोटे क्यूट क्यूट से। लेकिन भाई हमें नहीं पसंद छोटी चीजें, हमें तो पसंद है बड़ी चीज, समझ लो। तो अब बेसिकली सीन ये है कि अभी जो है आईफोन SE 4th जनरेशन के रेंडर्स हमारे पास आ चुके हैं, और ये भाई काफी ज्यादा जल्दी आ सकता है, और 2024 के अंदर आपको आईफोन SE 4th जनरेशन वाला देखने को मिल सकता है। तो भाई ऐसे तालियां बजती रहती, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला। और आज हमारे पास इसके कुछ लीक्स और रेंडर्स आ चुके हैं, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या होगा इस फोन के अंदर खास, और क्यों ये फोन बहुत तगड़ा होने वाला है, और क्यों भाई ये फोन लोगों की जेब ढीली करेगा। वो इसलिए क्योंकि लोग इसे लेंगे ना, ज्यादा लोग तो पैसे खर्चोगे ना, लॉजिक समझा करो अबे साले। तो बस जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज फोन की वो है भाई लुक। तो यहाँ पे भाई एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो इस बार डिस्प्ले साइज होने वाला है वो है 6.1 इंचेस का। हाँ भाई, फाइनली आईफोन SE सीरीज के अंदर डिस्प्ले बढ़ चुकी है, बड़ी हो गई है, और ये मिलेगी इस बार 6.1 इंचेस की। पहले ना मुझे लग रहा था कि जो डिजाइन होगा भाई वो 10R की तरह होगा, क्योंकि ना ये लोग पुराना डिजाइन ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे SE सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे ना ये जो राउंडेड वाला कॉर्नर डिजाइन देखने को मिलता है, मुझे लग रहा था कि भाई इस बार भी यही सेम डिजाइन हमारे को मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। और ये इसलिए क्योंकि इस बार जो डिजाइन ये लोग कर रहे हैं, जैसे कि हमारे को आईफोन 14 और 13 में मिलता है जो कि रेक्टेंगुलर वाला, और ये डिजाइन बहुत ज्यादा बेटर लगता है। बट जो डिस्प्ले साइज होगा वो होगा 6.1 इंचेस का, जो कि हमारे को आईफोन 10R जितने में मिलती थी। अब देखो भाई, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि जो डिस्प्ले है ये 6.1 इंचेस की, ये OLED होगी, रूमर्स में यही बताया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये OLED बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि भाई मैं भी काफी टाइम से फोन्स को देखता आ रहा हूं, और कंपनी नहीं चाहती कि भाई उनके ये बजट फोन्स इनके मेजर फोन्स को टक्कर दे, जैसे कि आईफोन 15 आईफोन 14 जिनमें OLED डिस्प्ले आती है। ये फोन उसको टक्कर नहीं देने के लिए आएगा, क्योंकि ये अलग ही सेगमेंट है। तो इस वजह से मेरे को लगता है ये नॉर्मल IPS रेटिना पैनल होगा, और ये मेरा मानना है। बट जो वेबसाइट्स में डाला हुआ मैक रूमर जैसी बड़ी, उनमें भाई OLED लिखा है। अभी हमें जो डिजाइन और डिस्प्ले है वो काइंड ऑफ मुझे ना सिमिलर सी लग रही है आईफोन 14 की तरह ही। बट पीछे से अगर आप लोग देखो तो आपको डुअल कैमरा सेटअप इस बार आईफोन SE में नहीं मिलेगा, वो सेम ही मिलता है जो इनका सिंगल कैमरा सेटअप होता है। और ऑब्वियसली ये डिफरेंशिएशन होना चाहिए, जब तो भाई एक बड़े फोन में और छोटे फोन में फर्क आएगा ना, नहीं तो भाई हम सब तो छोटा फोन ले लेंगे। और ये ब्रांड से ऐसा होता है, जब वो एक सीरीज में 3 फोन लॉन्च करते तो हम लोग ज्यादा ना जो सबसे सस्ता वाला होता है वो ले लेते हैं, क्योंकि दिखने में सेम लगते हैं, तो वो थोड़ा सा खेलेगा। और एप्पल बहुत तेज है मार्केटिंग एंड अपने डेवलपमेंट के अंदर, वो चीज नहीं करेंगे। अब ये जो आईफोन SE वाला डिजाइन है, ये मैंने आपको बताया कि 10R वाला ही होगा, तो इसमें आपको नॉच भी देखने को मिलेगा, और उसके अंदर आपको फेस आईडी मिल जाएगी। तो मतलब वही है यार, देखो दिखने में फोन अच्छा लगने वाला है नो डाउट। बट अभी मेरे को ना देखो ऐसे ना इन रूमर्स को देख के ऐसा लग रहा है यार कुछ चीजें ऐसे मिसिंग सी हैं, कुछ होता है ऐसे होना चाहिए जस्ट, क्योंकि मैं यार प्राइस को लेकर और इसके स्पेसिफिकेशन को देख रहा हूं ना, जब मैच कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है भाई कुछ तो ऐसे तिगड़ा होने वाली है, एप्पल करने वाला तगड़ा। अब एक और चीज आती है यहाँ पे भाई, मेजरली जो मैंने आपको बताया था कैमरा में सिंगल होगा, तो इस बार जो सिंगल कैमरा है, हाँ भाई कैमरा भी सिंगल है मेरी तरह ही, चल झूठा। यहाँ पे जो कैमरा होगा इस बार लगाया गया है 48 मेगापिक्सल का इसके अंदर, और ये बताया जा रहा है, मेरे को भी अभी ऐसा इसमें ना यकीन सा नहीं हो रहा, बिकॉज यार यूजुअली ऐसा नहीं होता है, एप्पल हमेशा 12 मेगापिक्सल का सेंसर देता है हर फोन के अंदर, मतलब अभी उन्होंने मेन फोन्स में डालना स्टार्ट किया, इस बार आईफोन 15 में भी जाके अब आया 14 मेगापिक्सल। तो मेरे को लगता है कि 14 मेगापिक्सल नहीं हो सकता, बट बताया जा रहा है कि रूमर है, तो भाई हो सकता है। भाई देखो एप्पल इस बार कुछ कर तो रहा है, मेरे को लग रहा है कुकिंग, जब आपको बताया, तो देखते हैं इसमें अगर 14 मेगापिक्सल आएगा तो जो ओवरऑल क्वालिटी होगी, जो ओवरऑल हमारी जो ISP होगी किस तरीके से काम करेगी, बिकॉज वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि आफ्टर प्रोसेस कैसी हो रही है फोटो, और उसमें डीप फ्यूजन या फिर जो एप्पल के जो रॉ फीचर्स वो ऐड होंगे या नहीं होंगे, वो मुझे ऐसा लगता है चीजें देखने वाली होंगी। अब यहाँ पे आती है बात बैटरी की, जो कि एक बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो बैटरी साइज बताया जा रहा है वो आईफोन 14 जैसा ही बताया जा रहा है, जो कि 3279 mAh का, और सिमिलर बैटरी कैपेसिटी यूज करी जा रही है दोनों ही फोनों के अंदर। अब आईफोन 14 ना मेरे को यार बहुत ज्यादा पसंद है फोन, ये जो इसका ओवरऑल फील है, बैटरी लाइफ इसकी बहुत क्रेजी, अराउंड 8-9 घंटे फोन इजी चल जाता है, तो हर एक चीज इस फोन की बहुत वेल बैलेंस्ड है। तो अगर इसको देखते हुए, अगर इसके DNA से अगर ये लोग आईफोन SE 4 तैयार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली भाई ये फोन बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे एक और नेक्स्ट चीज आती है, वो है भाई हमारा कनेक्शन कैसा होगा, इस बार टाइप सी लगाएगा लाइटनिंग लगाया जाएगा। अब बताया तो ये जा रहा है कि इसमें टाइप सी यूज होगा, और मेरे को भाई फिर मैं बोलूंगा, मेरे को ऐसे आशा तो भाई लाइटनिंग की है, बट अगर बता रहे हैं भाई टाइप सी होगा तो हो सकता है। बाकी भाई रूमर्स तो पता है आपको, मैं सच बता रहा हूं, कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि मेरे दिमाग के ऊपर चले गए। एक बंदा बोल रहा है कि इसमें एक्शन बटन होगा, मैंने बोला वाह भाई आप अपने फैक्ट्री बना रहे हो, ये वाला फोन एक्शन बटन भाई बिल्कुल भी नहीं होगा इस वाले फोन के अंदर, मुझे इस बात की पूरी गारंटी, बिकॉज वो एक प्रो फीचर है, और हमेशा से एप्पल एक ऐसा फीचर लाता है हर साल जो अपने प्रो फोन्स में डालते हैं, और ये जो भी एक्शन बटन है इनके प्रो फीचर में ही आता है, ये नॉर्मल फोन्स में नहीं आने वाला। अब मुझे पता है आप लोग मेजरली किस चीज के लिए वेट करो, वो है भाई इसके अंदर चिप कौन सी यूज करी जाएगी। तो देखो भाई अभी जो यूज होती है वो है एप्पल की A15 चिपसेट, जो कि आईफोन SE 3 में आ रही है, और मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार जो आईफोन के अंदर जो नया SE 4 आएगा जरूर इसके अंदर A16 ही यूज करी जाएगी, बिकॉज ये ही वो लोग यूज करेंगे, A17 ये लोग मेरे को पता है पक्का नहीं यूज करेंगे, तो A16 ही जो बेस्ट ऑप्शन बनता है इनका, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाला, कि ना इधर ना उधर, बीच में बिल्कुल बढ़िया। तो A16 चिपसेट यूज करी जाएगी, और जो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट पावर आपको प्रोवाइड करती है, अगर आप गेमिंग करनी है, वो नॉर्मल टास्क करने हैं, वो बहुत ज्यादा सही है। तो देखो यार यहां पे अगर आप लोग फोन्स को देखो, आईफोन SE सीरीज को देखो या फिर किसी को भी देखो, तो ना मेरे को जो ऐसा लग रहा है कि आईफोन 10R और आईफोन 14 को इन्होंने उठाया है, इन दोनों को ऐसे ना
रात को छोड़ दिया अकेला और आईफोन ऐसी फोन आ जाएगा, समझ रहे हो? साले का खोपड़ी तोड़ दे। तो ये ऐसा कुछ होने वाला है। तोबा तोबा तोबा। तो देखो यार, नो डाउट ये वाला जो स्मार्टफोन होगा ये मार्केट के अंदर तहलका तो मचा देगा। और यहाँ पे ना देखो, रूमर बोल रहे कि भाई ये फोन आएगा नवंबर दिसंबर, लेकिन मैं बता रहा हूँ नहीं, ये फोन नवंबर दिसंबर नहीं आया। जब भी ऐसी सीरीज आई है वो आई अराउंड मार्च और अप्रैल के बीच में, क्योंकि वो इनका जो एक 6 महीने का जो आगे का फ्रंट जो इनिशियल 6 मंथ्स होते हैं खाली जाते हैं एप्पल के। तो उस टाइम पर अगर इनको सेल्स बूस्ट करनी है दोबारा से, अगर इनको लाइमलाइट में आना है, बिकॉज एप्पल वांट्स टू बी इन लाइमलाइट एवरी टाइम, तो उनको आना है, तो भाई ये फोन इसी टाइम पर लॉन्च करना पड़ेगा 2024 के स्टार्टिंग के 6 महीनों के अंदर, जब भी ये फोन की बिक्री भी होगी और जब भी लोग इसे पसंद भी करेंगे। बिकॉज प्रो सीरीज आने के बाद अगर ये फोन लॉन्च हुआ तो भाई अगले साल आईफोन 16 आने वाले, जिसमें बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं। और लास्टली भाई एक बहुत मेजर चीज वो है भाई, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा। भाई देखो मेरा ना दिल से ऐसे बैठ रहा है, मैं एक बार रवि से पूछता हूं भाई एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा इसका। 60,000 होगा भाई, कम से कम 60,000। बाइगन तो भाई रवि कह रहा 60,000 रुपए, बट मेरे को ऐसा मानना है कि 60,000 हो सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एप्पल ना काइंड ऑफ इसको 50,000 रुपए के आसपास रखेगा, बिकॉज ये $500 का ही आएगा। और लाइक अगर बाहर $500 का आता है यूएस के अंदर, तो भाई इंडिया के अंदर 50,000 रुपए होता है, क्योंकि यूएस के अंदर $1 मतलब 100 रुपए, मतलब ऐसे कन्वर्जन करते हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो $500 के आसपास ही होगा फोन, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज वहाँ पे आपको $500 के अंदर आईफोन 14 भी मिल जाता है अगर आप लोग ट्रेड वेड करते हो, तो मतलब बहुत एक अलग चीज है। मेरे हिसाब से $500 का होगा वाला फोन, और बाकी देखते हैं क्या होता है। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो डेफिनेट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, iPhone SE 4 बरसा दो भाई एक बार लाइफ पे ना, अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।